उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में आंधी बारिश के चलते हुए हादसों में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में मुरादाबाद और गोरखपुर में 3-3, पीलीभीत, ललितपुर, गाजीपुर और एटा में 1-1 व्यक्ति शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो राज्य के 13 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। ये जिले हैं लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, उन्नाव, देवरिया, हरदोई, अयोध्या, बदायूं और महाराजगंज। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से बताया गया है कि खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियां गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में कोनो है। फिलहाल जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों फर्रुखाबाद में भी रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुका है। रामगंगा में लगभग बाढ़ की वजह से दर्जन भर गांव प्रभावित हो चुके हैं। मुख्य सड़क पर पानी भरने से गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं देश भर में भी भारी बारिश के चलते कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। गुरुवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे NCR में अभी लोगों को उमस से कोई राहत नहीं मिलती देख रही है। आपको बता दें कि IMD ने बताया है कि अभी मॉनसून का झुकाव दक्षिण की तरफ ज्यादा है, जिसके वजह से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि IMD ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश भी हो सकती है। तो वहीं दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज भी हल्की बारिश की ही संभावना है। बताते चले कि बुधवार को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन न्यूनतम तापमान औसत से 2 डिग्री ज्यादा यानी कि 29.8 बना रहा और उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बना रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ये ऊंचाई के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। मानसून की लाइन जैसलमेर, कोटा, गुना, सागर, मंडला, गोपालपुर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के मध्य से होकर गुजर रही है। इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दे चले कि अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।